चलिए बच्चों, आज से फिर ये नया सेशन आपका कॉमन एरर का मैं शुरू कर रहा हूँ। पिछले दो सेशंस में आपको कुछ सेंटेंसेस बताए गए थे कि किस तरीके से हम दिए गए कॉमन एरर को सॉल्व करें, और उसके रूल्स भी आपको समझाए गए थे विद एक्सप्लेनेशन आपको। तो ये एक नया सेशन है आपके लिए जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। आप देखते होंगे कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तथा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं बच्चों के मन में, तो मैं चाहूंगा कि आप इन्हें आज दूर कर लें। ये शुरू होता है हमारा नया सेशन आज का इंग्लिश जो आपके है। कॉमन एरर नंबर फर्स्ट है आपका, दिस यंग बॉय इज द मोस्ट हैंडसम एंड टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहां अगर ध्यान से आप देखेंगे तो दो सुपरलेटिव्स आप एंड से आपने जुड़े हैं। पहला सुपरलेटिव है आपका द मोस्ट हैंडसम और दूसरा है टॉलेस्ट। तो आप ध्यान से देखिए, जो पहला सुपरलेटिव है वो मोस्ट के द्वारा बनाया गया है और जो दूसरा सुपरलेटिव है आपका वो एएसटी के द्वारा बनाया गया है। आप अगर ध्यान सोचें, मूल हमारा क्या है, टॉलेस्ट है, जिसमें एएसटी आपने जोड़ा है, जो इसी में जुड़ा है, जबकि मोस्ट जो है वो अलग से जोड़ करके आप बना रहे हैं। तो हमेशा मूल जो हो उन्हें पहले रखें जो मेन वर्ड्स हो, और जो अदर्स होते हैं उन्हें बाद में रखें। तो यहां पे जो रूल आपका कार्य करेगा वो ये होगा कि द मोस्ट वाला पोर्शन जो है वो बाद में जाएगा और जो ईएसटी वाला पोर्शन टॉलेस्ट है वो पहले आ जाएगा। यानी फिर से समझें, अगर एक ही वाक्य में एंड से आपने दो सुपरलेटिव्स जोड़े हैं और वो दोनों सुपरलेटिव्स में एक जो है वो मोस्ट से बना है और एक जो है एडजेक्टिव में ही ईएसटी लगा के बनाया गया है, तो ईएसटी वाले एडजेक्टिव को हम पहले रखते हैं और मोस्ट वाले एडजेक्टिव को हम बाद में रखते हैं। तो जो वाक्य हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा दिस यंग बॉय इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द क्लास। यानी टॉलेस्ट पहले आ जाएगा और मोस्ट हैंडसम जो है वो बाद में चला जाएगा। यानी ईएसटी वाला पोर्शन पहले रखें और मोस्ट वाला पोर्शन बाद में रखें। अब अगर इस तरीके के सेंटेंसेस हमको बनाने हो, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड बेस्ट गर्ल इन फैमिली। ध्यान से देखिए, पहला जो एडजेक्टिव आपका है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है और जो दूसरा एडजेक्टिव है वो बेस्ट है। यानी बेस्ट जो है उसी में ईएसटी जुड़ा है, जबकि यहां इंटेलिजेंट से अलग मोस्ट जोड़ रहे हैं। यानी आप क्या करें, मोस्ट इंटेलिजेंट वाला पोर्शन जो है वो बाद में रखें और बेस्ट वाला पोर्शन पहले रखें। यानी वाक्य होना चाहिए था आपका शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर फैमिली होना चाहिए था। दूसरा सेंटेंस है आपका माई फादर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड टफेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड। यानी यहां पे जो आपका मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, मोस्ट से बना हुआ वो पहले दिया गया है और जो ईएसटी से बना हुआ है वो बाद में दिया गया, जबकि आपको करना क्या चाहिए, जो ईएसटी से पहले है, ईएसटी वाला शब्द है वो पहले रखें और जो मोस्ट से जुड़ा हुआ है वो बाद में रखें। यानी वाक्य आपका होना चाहिए था माई फादर इज द टफेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पर्सन टू अंडरस्टैंड। यानी यहां पे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वाला पोर्शन जो है बाद में जाएगा और जो टफेस्ट वाला पोर्शन है वो पहले आ जाएगा। कॉमन एरर नंबर टू है जिसके द्वारा मैं चाहूंगा आप कुछ समझें। एक्चुअली आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स आप देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि जो लिटिल और फ्यू होता है वो आपके संख्या या मात्रा के अर्थ में आप यूज करते हैं और न के बराबर उनका अर्थ होता है। जो अ लिटिल और अ फ्यू होता है वो कुछ के लिए आप यूज करते हैं, मात्रा और संख्या के लिए। और द लिटिल या द फ्यू जो होता है वो ज्यादातर किताबों में, ज्यादातर नोट्स में आप देखेंगे लिखा होगा वहां पे कि वो पूरा जितना भी है। लेकिन यहां जो क्लू आपको दिमाग में बना के रखना है वो ये है कि हम द लिटिल या द फ्यू तभी यूज करें जब प्रिंसिपल क्लास के अलावा एक सबॉर्डिनेट क्लास भी, यानी एडजेक्टिव क्लास भी आपको दी गई हो जिसका अर्थ जो से निकल रहा हो। फिर से, द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग तभी करें जब वहां पे एडजेक्टिव क्लास दी गई हो जिसके हिंदी द से निकल रही हो। यह समझते हैं आप, अ लिटिल वाटर यू हैव एट दिस टाइम इज नॉट एनफ फॉर ऑल ऑफ अस।
अ लिटिल वाटर, वो थोड़ा सा पानी, यू हैव एट दिस टाइम, ध्यान से देखें, यू हैव एट दिस टाइम, इसकी हिंदी होगी जो आपके पास इस समय है, जो आपके पास इस समय है, ये जो यू हैव एट दिस टाइम है, यही आपका एडजेक्टिव क्लास है जो से शुरू हो रहा है. इज नॉट एनफ फॉर ऑल ऑफ अस, वो हमारे पर्याप्त नहीं. ये जो क्लास है आपकी अ लिटिल वाटर इज नॉट एनफ फॉर ऑल ऑफ अस, ये आपके प्रिंसिपल क्लास है, और यू हैव एट दिस टाइम ये आपकी एडजेक्टिव क्लास है. यानी अगर वाक्य में जिसमें अ लिटिल या द लिटिल वगैरह का प्रयोग करना हो, अगर हमारे पास वाक्य में एडजेक्टिव क्लास दिया गया है तो वहां पे लिटिल या अ लिटिल, फ्यू या अ फ्यू नहीं, द लिटिल होगा या द फ्यू होगा. क्योंकि यहां पे अ लिटिल वाटर की बात है, वाटर अनकाउंटेबल में आएगा, इसलिए यहां पे अ लिटिल तो सही है, लेकिन अ लिटिल के स्थान पे द लिटिल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने यहां पे एडजेक्टिव क्लास लिया है. या एक और गलती हो सकती थी, अ लिटिल के बजाय अ फ्यू या द फ्यू दे दिया जाता, तो आप समझ सकते हैं यहां पे कि वाटर के पहले हम फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. तो यहां पे चूंकि एडजेक्टिव क्लास दिया गया है, इसलिए आप अ लिटिल लेने के बजाय द लिटिल का प्रयोग कर लेना. यहां एक्सप्रेशन मैंने दिया है जो आप समझ सकते हैं. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग तब करें जब अनकाउंटेबल नाउन हो, लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग तब करें जब काउंटेबल नाउन हो. दूसरी चीज है, लिटिल या फ्यू बराबर न के बराबर होता है, अ लिटिल या अ फ्यू बराबर कुछ या थोड़ा होता है, और द लिटिल या द फ्यू बराबर जितना भी है वो सब. लेकिन मैंने यहां ब्रैकेट में एक चीज आपको दिया हुआ है कि इसके साथ एडजेक्टिव क्लास का होना जरूरी है. यानी द लिटिल या द फ्यू तभी लगाएं यदि उसके साथ एडजेक्टिव क्लास वहां दिया गया हो तब. अगर आप एडजेक्टिव क्लास अभी न समझते हो तो वो क्लास जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, वो एडजेक्टिव क्लास है. सामान्यतः इसका जो अर्थ होता है वो जोश से निकलता है. जैसे वहां भी आपने देखा जो तुम्हारे पास है, ये वाला सेंस जब आएगा तो आप वहां अ लिटिल या अ फ्यू नहीं लेकर के द लिटिल या द फ्यू नहीं. अब ऊपर वाले वाक्य को देखें जिसका अर्थ निकल रहा है वो थोड़ा सा पानी जो इस समय तुम्हारे पास है हम सब के लिए पर्याप्त है. आप जानते हैं ना कि जो इस समय तुम्हारे पास है वाली क्लास वास्तव में एडजेक्टिव क्लास है, जिसकी वजह से अ लिटिल वाटर न होकर द लिटिल वाटर होना चाहिए. यानी जो सही वाक्य ये होगा, द लिटिल वाटर यू हैव एट दिस टाइम इज नॉट एनफ फॉर ऑल ऑफ अस. यानी अ लिटिल वाटर की जगह द लिटिल वाटर होगा, क्योंकि यहां पे हमने एडजेक्टिव क्लास लिया हुआ है. अब ये वाक्य अगर कोशिश करें हम तो शायद बेहतर कर सकते हैं. देखें आप, अ फ्यू चेयर्स ही बॉट यस्टरडे आर वेरी कॉस्टली. ध्यान देखें, अ फ्यू चेयर्स, वो कुछ एक कुर्सियां ही बॉट यस्टरडे, जो उसने कल खरीदी. कोशिश करें सोचने की, जो उसने कल खरीदी, यानी हमारी ये जो क्लास है ही बॉट यस्टरडे, यह एडजेक्टिव क्लास है. जब यह एडजेक्टिव क्लास है इसका मतलब यहां अ फ्यू चेयर्स ना होकर के द फ्यू चेयर्स हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ लिटिल मिल्क यू आर बाइंग, वो थोड़ा सा दूध जो तुम खरीद रहे हो विल नॉट बी एनफ, वो पर्याप्त नहीं होगा. यहां भी वही भाव है कि अ लिटिल मिल्क जो तुम थोड़ा जो तुम खरीद रहे हो, यानी यू आर बाइंग जो है वो आपका एडजेक्टिव क्लास है. और अगर ये एडजेक्टिव क्लास है इसका मतलब कि यहां अ लिटिल मिल्क न होकर के द लिटिल मिल्क का आपको प्रयोग करना होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अ फ्यू बुक्स विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर नीड. अ फ्यू बुक्स विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर नीड, यानी वो कुछ किताबें विल सर्टेनली हेल्प, निश्चित ही मदद करेंगी यू आपकी इन योर नीड. क्या इसमें कहीं भी एडजेक्टिव क्लास दिया गया? नहीं दिया गया. बुक्स काउंटेबल है तो ऑलरेडी अ फ्यू सही वहां पे है. अगर यहां एक गलती होती और हो सकती थी कि अ फ्यू के बाद बुक दे देता, तो आप हमेशा याद रखिएगा लिटिल और लिटिल या द लिटिल जो होता है वो अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा, और फ्यू ऑफ फ्यू या द फ्यू जो होगा वो हमेशा अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा. इसका मतलब कि अ फ्यू बुक्स जो यहां पे है, जिसने यहां पे प्लूरल नाउन लिया है वो सही है, क्योंकि ये प्लूरल ही लेगा न कि सिंगुलर लेगा. नेक्स्ट सेंटेंस है, माय स्टूडेंट्स नीड
only a few notebooks. ध्यान से देखें, My students need only a few notebooks. क्या कोई गलती है? क्या हमने यहाँ पे कहीं भी adjective class लिया? नहीं लिया. हमने कोई adjective class नहीं लिया है. इसका मतलब ये sentence आपका a few के बाद notebooks plural ही है. तो सही यहाँ the. चलिए पांचवा sentence है आपका. She has a little chairs, but she needs more. चेयर्स क्या है आपकी? काउंटेबल है. अगर चेयर्स काउंटेबल है तो अ लिटिल नहीं होगा यहां पे, अ फ्यू का प्रयोग करेंगे आप. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आपके काम आएंगे. यदि आप अ लिटिल या फिर अ फ्यू वगैरह जैसे सेंटेंसेस में आप अगर फंसते हैं, आपको लगता है कि इनको किस तरीके से सॉल्यूशन कर लेना है, तो आप पीछे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें और फिर इन पर अपने कमेंट्स करना न भूलें और बताएं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है. इससे आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन क्या बन रही है. थैंक यू.